से घुंघटा हटाने दे। अपने मिलन की तो आने दे। तो थैंक यू दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, जो है लाभ हानि और बट्टा। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का जो एक फॉर्मूला है कुछ, इसे आप याद रखें, सीख करके याद रखें, या नहीं भी याद रहेगा, आप एक या दो चार फॉर्मूला याद रखते हैं तो भी मैं आपको सवाल बनाने का तरीका बता दूंगा कि किस तरह से हम एक दो फॉर्मूला याद रख करके पूरा चैप्टर का सवाल जो है कैसे हम बनाते हैं वो बताने वाला हूँ आज मैं, ताकि आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे SSC बैंक एग्जाम में आपको फॉर्मूला याद ना रहे तो भी आप सवाल को सॉल्व कर सके। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये फॉर्मूला से थोड़ा दर्शन करा देता हूँ, भेंट करा देता हूँ, ताकि एक नज़र आप इसे देख लें और कुछ याद कर लें। याद रहे तो पूरा याद कर लें, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा कि कुछ कुछ कौन कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये दोस्त है पी से प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। ये है लॉस, एल से लॉस, लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हानि बराबर क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। सीपी कॉस्ट प्राइस बराबर फॉर्मूला है, कॉस्ट प्राइस बराबर क्रय मूल बराबर विक्रय मूल माइनस लाभ, यानी SP माइनस CP। कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, क्रय मूल बराबर विक्रय मूल प्लस हानि। नेक्स्ट है फाइव नंबर आया है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल बराबर क्रय मूल माइनस लाभ। सिक्स नंबर में है सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस, सेलिंग विक्रय मूल बराबर क्रय मूल प्लस हानि। इन फॉर्मूला से आप जो है, आप ये बेसिक है, बेसिक फॉर्मूला को याद रखें, इसे याद रख लेंगे कम से कम जो है आप इस चैप्टर में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है आप उसके लिए आप एक CP बराबर हमेशा याद रखें। एक फॉर्मूला ये है, आप इसे कंफर्म याद कर लें कि सेलिंग कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस होता है। एल जो है, एल लिखा हुआ है, आप नहीं याद रखें हानि को, हानि को याद नहीं रखें कि जोड़ना या घटाना है, आप इसे एल को आप इसे प्लस के रूप में बना दें, आप याद रहेगा कि लॉस को एल को हम जोड़ेंगे हमेशा, एल को हमेशा आप क्या कर दें, इसे बढ़ा दें, इसे ऐसे कर दें तो प्लस बन जाएगा, आपको पहचान एक मिल जाएगा कि लॉस है तो इसे हमको CP में जोड़ना है हमेशा। कहीं भी फॉर्मूला होगा, लॉस होगा तो वहां पे प्लस का चिन्ह होगा, जो भी फॉर्मूला होगा। यदि CP निकाल रहे हैं तो वो हमेशा SP में प्लस होता है, तो एक फॉर्मूला ये दूसरा सेकंड फॉर CP बराबर SP माइनस P प्रॉफिट याद रखें। सेकंड फॉर्मूला से दो फॉर्मूला से आपका सवाल, और एक फॉर्मूला जो याद रखना है आपको इसमें से, प्रॉफिट परसेंट बराबर P × 100/CP। इस फॉर्मूला से आपके चैप्टर का ज्यादा सवाल सोल्व है। लॉस बराबर लॉस गुना 100/CP, हानि बराबर हानि गुना 100/क्रयमूल। इस दो फॉर्मूला यहाँ दो फॉर्मूला ऊपर, इस चार फॉर्मूला से ज्यादा सवाल इस चैप्टर में सॉल्व हम करके दिखाएंगे, और कैसे करेंगे आपको आगे बताते हैं। आप इसे याद रखें, SP बराबर CP माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस प्रॉफिट, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल माइनस प्रॉफिट, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल प्लस हानि होता है। और नेक्स्ट फॉर्मूला है SP बराबर सेलिंग प्राइस CP गुना 100/प्रॉफिट/100। नेक्स्ट है फॉर्मूला सेलिंग प्राइस बराबर CP गुना 100 माइनस लॉस हो तो माइनस करना 100 में, जहां जहां 100 होगा उसमें हमेशा माइनस होगा, याद रखें 100 की बात करें तो लॉस माइनस होगा, प्रॉफिट प्लस होगा। लेकिन CP की बात हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हमेशा प्लस होगा, SP में प्लस करेंगे हानि को तो CP निकलेगा। फिर नेक्स्ट है फॉर्मूला CP बराबर SP गुना 100/CP प्लस प्रॉफिट, क्रय मूल बराबर विक्रय मूल बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट, CP बराबर SP गुना 100 माइनस लॉस परसेंटेज। नेक्स्ट फॉर्मूला CP बराबर सी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल बराबर विक्रय मूल का अंतर, अगर दो हिस्सा में दो विक्रय मूल दिया है तो उसे घटा करके, यदि लाभ दिया हुआ है दो को तो दोनों को घटा के लिखे, यहां नहीं दो को दिया है तो दोनों को घटा के लिखे, अंतर डिफरेंस, मानी दोनों का डिफरेंस करके यहाँ नीचे लिखना, गुना 100 से गुना करना है, हो गया। अंकित मूल बराबर सेलिंग प्राइस गुना 100 माइनस बट्टा परसेंट डिस्काउंट परसेंट, माइनस करना है डिस्काउंट परसेंट को, माइनस करना है। ये भी फॉर्मूला को आप एक याद रखें, जो कि आपको एक अलग अलग डिस्काउंट चक्कर के लिए आपको काम आएगा। अंकित मूल बराबर बचत का अंतर, दो बचत दिया हुआ है दोनों बचत के अंतर को घटा देना है, और बट्टा का भी अंतर, दो बट्टा दिया है तो दोनों बट्टा को घटा करके लिखना है। CP बराबर SP का अंतर बटे प्रॉफिट प्लस लॉस,
प्रॉफिट प्लस लॉस गुना 100 करना है। एसपी बराबर अंकित मूल इनटू 100 माइनस बट्टा बटे 100 होता है। ये भी फॉर्मूला को याद रखें जो कि आपको डिस्काउंट चेक करने काम आएगा। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो इसे आप याद रखें। अब मैं आप नेक्स्ट आप सवाल बताने वाला हूं, तो देखिए इस पे कैसे हम फॉर्मूला पर यूज करते हैं और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाते हैं, दोनों तरीका से आपको बताऊं।